हेलो दोस्तों, ग्रीन विजडम चैनल पर पौधों की जानकारी की श्रृंखला में आज इस वीडियो में दिख रहे इस सुंदर से और कठोर वातावरण में भी जीवित रह सकने वाले पौधे के बारे में जानकारी देंगे। यह पौधा क्षारीय दलदल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, यहां तक कि क्षारीय घास के मैदानों में बहुत ऊंचाई वाले जगहों पर भी पाया जाता है। इसके अलावा यह पौधा गीली मिट्टी के साथ साथ पानी में भी उग सकता है। यह पौधा कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल होता है, जैसे उच्च क्षारीय तथा कम वर्षा वाले एरियाज में। यह पौधा ज्यादा बढ़ता नहीं है बल्कि जमीन पर फैलता रहता है। यह पौधा अपने पत्तियों में ताजा पानी संग्रहित करता है, जो अपने निवास स्थान के खारे पानी के प्रभाव से निपटने में मदद करता है। इसीलिए यह कठोर क्षारीय तटीय वातावरण में जीवित रहने में सक्षम है। इस पौधे को दुनिया में कई जगहों पर खाने के लिए भी उपयोग करते हैं, जैसे मूल अमेरिकी लोग इसको खाने से पहले इसके जड़ों को लंबे समय तक उबालते हैं और इसके युवा शूटिंग को कच्चा या मसालेदार बनाकर खाते हैं। दुनिया में कुछ जगहों के लोग इस पौधे को लोक औषधीय में गाउट, एक्जिमा, सोरायसिस, गठिया, रक्त विकार और थायरॉयड विकारों के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं। इस पौधे का वनस्पतिक नाम लाइसिमाजिया मैरिटिमा है, जिसे इंग्लिश में ग्लॉस मैरिटिमा कहते हैं। यह पौधा प्रिमिलेसी परिवार से संबंधित है। इसके अलावा इसे सी मिल्कवॉर्ट, सी मिल्कवीड और ब्लैक सॉल्टवॉर्ट आदि कॉमन नामों से जाना जाता है। यदि यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।